ऑलराइट है गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे इस ट्यूटोरियल में। और आज ये मकी 2.0 का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि कैसे आप क्रिएट करेंगे। तो ये बैकग्राउंड है और बाय थोरो मैं पूरी एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे क्रिएट करना है और कैसे हो गई ये फोटो। बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल है और सीखने को आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी इसमें, लाइक गाइडेंस पूरा रहेगा इसमें, आपको पूरी तरह से समझाया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से अपने जो फ्लाई है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये फ्लाई थी जो मुझे यूज करनी थी अपने फोटो एडिट में, और ये पीएनजी है। ठीक है, इसके बाद मैंने इसमें बहुत चीज़ें कर रखी हैं, वो है कि इसकी शेडो क्रिएट कर रखी है, इसी को कॉपी करके और फिर इसी को फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फिर नीचे और फिर यहाँ मैच अच्छे से करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये मास्क प्रेस करना है और ग्रेडियंट पे जाना है। ग्रेडियंट में जाके आपको ब्लैक सेलेक्ट कर वाइट करना है और फिर यहाँ जैसे एक्स प्रेस करेंगे आपका ये ब्लैक हो जाएगा और फिर यहाँ से ऐसे ड्रैग कर देना है ऊपर, तो एक शेडो अच्छी सी क्रिएट हो जाएगी वहाँ पर लाइट सी। ठीक है, तो इतना हो चुका है। अब इसके बाद मुझे दो तीन चीज़ें और देखनी है इसमें, मैंने क्या क्या कर रखी हैं, तो उसी के हिसाब से मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। तो ये इफेक्ट इसमें पहले से ही है, सो मुझे इसके ऊपर ये डालना है और फिर ह्यू सैचुरेशन थोड़ी सी। ओके, सो यहाँ मक्खी अभी ऐसे हो रखी है, तो इसको पहले आप इसमें मर्ज कर लीजिए कमांड ई प्रेस करके, कंट्रोल ई आपके पीसी में होगा, और फिर यहाँ से कलर लट लेना है अपने डे फ्रॉम नाइट, और फिर इसकी ओपेसिटी एक बार देख लेता हूँ मैं कितने की रखी थी। मैंने 100 ही रख रखी है और फिर इसे इस पे क्लिप कर देते हैं, तो ये मैच हो गई है पूरी लाइक जैसे थी। ठीक है, अब इसमें ग्लो क्रिएट करना है मेरे को, और ग्लो क्रिएट करना है आईज के में और यहाँ पे। तो ये ग्लो तो मैंने क्रिएट कर रखा है पहले से, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने के लिए अलग से ही समझाऊंगा और लाइक पूरा डिटेल में नहीं करूँगा, एक साइड की आई करूँगा और बाकी रेस्ट ऑफ दी सेम रहती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक न्यू लेयर देनी है, इसे ग्रुप कर लीजिए आप, कुछ भी कह दीजिए, लाइट आई लिख देता हूँ, आई आई राइट। ठीक है, गलत है स्पेलिंग, कोई नहीं। और फिर यहाँ से आप कोई भी कलर चुन लीजिए जो आपको पसंद आए, लाइक ये कलर सही है। ठीक है, और फिर यहाँ से ब्रश लेना है आपने और अच्छे से सिलेक्शन करना है। आप सिलेक्शन लेके भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी पेंट कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता हो आप वैसे कर लीजिए। ठीक है, जब इतना हो जाए तो फिर आप इसे डुप्लीकेट कर लीजिए और ओवरले में कर लीजिएगा, और फिर नीचे वाले को फिर से डुप्लीकेट करके इधर लाके आपने उसका पिन लाइट ब्लेंडिंग मोड करना है, और फिर फिल्टर में जाना है, अपने फिल्टर में जाके ब्लर ब्लर गॉसियन, और गॉसियन में थोड़ा रेडियस ज़्यादा सेट करना है कि वो थोड़ा स्प्रेड आउट हो, अराउंड 50 रख सकते हैं आप। ठीक है, और फिर यहाँ से एक और न्यू लेयर बनानी है और यहाँ से विविड लाइट चुनना है आपने, और फिर एक बहुत ही वही ब्रश लेना है आपने लेकिन थोड़ा बड़ा करना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं वो ग्लो कितना प्यारा से क्रिएट हो गया है वहाँ पे, जो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये रेड रेड हो जाता है थोड़ा सा विविड लाइट में, तो हमेशा सेंटर से बाहर आते वक्त तो रेड ही कलर रहता है, तो यही सेम रहता है और सेम प्रोसीजर उधर की साइड रहेगा। ठीक है, अब इसमें मेन चीज क्या है वो है रिम लाइट। तो सबसे पहले यहाँ पे अब इसे इधर कर देते हैं और जो यहाँ हमने कर लिया है वो चीजें दिखाता हूँ मैं। हमने यहाँ ग्लो क्रिएट कर लिया है, लेकिन ग्लो हाँ ये इतना हम कर चुके हैं अभी, बस वो भी अभी बताऊंगा ये बाहर का ग्लो कैसे क्रिएट हो रहा है, अभी रिम लाइट दिखाऊंगा कैसे क्रिएट होगी इसकी। तो रिम लाइट के लिए आपको यहाँ वाइट वाइट लाइंस दिख रही होंगी, तो सीधा बस उसी के ऊपर पेंट करना है आपने। ठीक है, ऐसे तो
ये डिपेंड करेगा कि आपने कितना फोटोशॉप यूज कर रखा है पहले से और आपने कितना चलाया है, तो उसी के हिसाब से आपकी स्पीड डिपेंड करेगी, आप कितना वर्क कर पाएंगे अच्छे से, जल्दी कि लेट करेंगे। और मेरे दूसरे ट्यूटोरियल्स को भी जरूर चेकआउट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ट्यूटोरियल बहुत आते रहेंगे और मैं डालता रहूंगा इसलिए आपको इंस्पायर एंड क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ कुछ ऐसे ही ये क्रिएट करना है आपने, तो आप देख सकते हैं वही सेम टेक्निक से कहेंगे, कितने प्यारे से मैंने रिम लाइट भी क्रिएट कर दी है और थोड़े फेक हेयर्स भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मक्खी रेडी हो गई है। मक्खी रेडी होने के बाद अब इसका आउटर ग्लो बनाना था मुझे। अब आउटर ग्लो के लिए पहले तो ये है रैम। ठीक है, अब इसे भी ग्रुप कर देता हूँ, रैम फ्लाई। अब इसके बाद इसका एक्सटर्नल ग्लो बनाते हैं। एक्सटर्नल ग्लो बनाने के लिए आपको यहाँ से इस ब्रश को ही सेम को बड़ा करना पड़ेगा और फिर स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आपने जैसे ही स्क्रीन में करा होगा अब ये थोड़ा ग्लोई टाइप सा आ गया है। ठीक है, इसमें थोड़ा और ब्लेंड मोड देखना है, कोई अच्छा सा सूट करे। सो यहाँ पे वैसे तो स्क्रीन ही कर रहा है अभी सही, तो स्क्रीन को ही रहने देते हैं और फिर एक और लेयर बनाते हैं और यहाँ से ओवरले चुन लेते हैं और थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसे। ठीक है, तो अब ये देख सकते हैं आप ऐसा एक सेंटर ग्लो क्रिएट हो गया हल्का सा। अब आप ओवरले को देखेंगे तो ओवरले इतना दिखता नहीं है, ठीक है, लेकिन इम्पैक्ट होता है उसका, लेकिन सबसे ज्यादा स्क्रीन का है, तो स्क्रीन के इम्पैक्ट को कम करते हैं। तो यहाँ ये प्यारा सा ग्लो क्रिएट हो गया है अब। ठीक है, और जो भी आपको चाहिए होगा तो आप मास्क आउट कर सकते हैं, लाइक इधर नहीं चाहिए मुझे, यहीं यहीं चाहिए फेस साइड, तो आप यहीं यहीं इधर मास्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब प्यारा सा ग्लो इधर क्रिएट हो गया और इसको अब कर देते हैं ओवर ऑन फ्लाई ग्लो। ठीक है, तो हमने यहाँ तक अब क्रिएट कर लिया है, थोड़ा बहुत डिफर होगा रिजल्ट। ऑब्वियसली इस वाले में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पता चलेगा क्योंकि थोड़ी बहुत जो भी आउटकम रहती हैं वो इसमें ज़रूर फिक्स हो जाती हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है वो है मेरे फेस के रिम लाइट है और फिर टैटूज हैं और फिर पेन में ग्लो है और मैप। मैप तो डायरेक्ट रही PNG टाइप। ठीक है, तो डायरेक्ट चलते हैं अब रिम लाइट की तरफ। मी रिम कर देता हूँ और इसे ग्रुप माय रिम लाइट। तो लाइट मैं इतना डीपली नहीं समझाऊंगा, बस यहाँ पे हाथ पे जरूर समझाऊंगा क्योंकि यहाँ बहुत ही मेन वर्क है इसका। तो यहाँ पे जरूरी है, यहाँ पे है और यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब उसके बाद इधर भी आपको ड्रॉ करना है, लेकिन इधर थोड़ा थोड़ा करें, ज्यादा नहीं। ठीक है, जब ऐसे क्रिएट हो जाए तो उसके बाद इसकी फिनिशिंग भी देनी होती है आपने। तो यहाँ आपने ब्रश में आना है और फिर इरेजर लेनी है। और इरेजर से इसे अच्छे से मॉडिफाई करके एक स्ट्रेट पाथ में कन्वर्ट कर देना है आपने थोड़ा, और जो एक्सेस चीजें हैं उन्हें भी हटा दीजिएगा। ठीक है, तो एक परफेक्ट वहां रिम लाइट क्रिएट हो जाएगी अच्छी सी, और ऐसे ही करके आपको फेस पे भी बनानी है, फेस भी बहुत इजीली बन जाती है। यहाँ ऐसे
ऐसे ही टाइम लगेगा आपको। तो जो भी हो आप एक सिंपल सी रिम लाइट बनाएं, और यही आइडिया है, मैंने इसका ट्यूटोरियल डाल रखा है रिम लाइट का, तो आप वो जरूर चेक करें। अगर आपके पास टैबलेट नहीं है तो माउस से कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैंने बता रखा है, तो वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं, इसे हटाते हैं, रिम लाइट नहीं तो क्रिएट करने में पूरा दिन ही लगता है खाम खा का। सो अब बढ़ते हैं पेन की तरफ। तो पेन में मेरे को चाहिए था कि यहाँ निब के पास ग्रीन कलर आए, तो यहाँ से अब लेते हैं हम ग्रीन कलर। ठीक है, अब पेंट कर देता हूँ मैं सारा ग्रीन कलर इधर। तो आप देख सकते हैं वो कितना प्यारा ग्रीन कलर वहां पे पेंट हो गया है। से थोड़ा सा मोल्ड अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, अब ये जब क्रिएट हुआ तो इसे ग्रिप कर देते हैं और फिर यहाँ लिखते हैं ग्रीन ग्लो। फिर इसी को डुप्लीकेट ओवरले, ठीक है, फिर इसी को कॉपी, फिर फिल्टर, फिर ब्लर, फिर गॉसियन ब्लर, और इस बार 50 नहीं रहेगा, थोड़ा कम रहेगा बस इतना। हार्ड मिक्स भी सही है। फिर यहाँ एक न्यू लेयर बनानी है आपने, और फिर इसी ब्रश को थोड़ा वो करना है, और फिर यहाँ हल्का सा पेंट कर देना है, और इसको चेंज करना है आपने विविड, और फिर जो एक्सेस है वो चीजें हटा देनी है। ठीक है, तो यहाँ आपको पता चल गया ये कैसे क्रिएट हो रखा है। तो सेम एज इट इज इसके रिफिल में मैंने पेंट कर रखा है। ठीक है, उसके बाद मैप है, ये तो डायरेक्ट पीएनजी है, तो आप इसे जैसे भी प्लेस करेंगे ये वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, और अब बढ़ते हैं दूसरे, तो ब्लू हैंड ये वाला, ये कैसे क्रिएट हुआ था, ये भी बहुत ही इजी है। तो यहाँ आप कोई भी कलर ले सकते हैं, मैंने वहां ब्लू ले रखा था, अगर मैं ग्रीन ही लेता हूँ तो भी मैं वही क्रिएट करूंगा। तो डिजाइन खुद था, कोई नेट से नहीं उठाया, तो कोई भी डिजाइन आप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और फिर उसको वही करना है आपने डुप्लीकेट। ठीक है, फिर ओवरले, फिर एक न्यू लेयर बनानी है आपने, और फिर वही पेंट करना धीरे। तो आप देख सकते हैं वहां वो पीले ग्लो क्रिएट हो गया अच्छे से। विविड में करके थोड़ा सा स्प्लिट कर दें अंडरलाइन, तो वो परफेक्ट वहां बैठ जाएगा। ठीक है, अब चाहे आप इसका कलर ब्लू करें, चाहे कुछ भी करें, तो यहाँ एक ह्यू सैचुरेशन क्लिप कर लें, तो वो जो आपको कलर पसंद आता हो भाई, चाहे आपको ब्लू आता हो, चाहे ग्रीन आता हो, कोई सा भी आता हो, तो आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो और चीजें हैं वो है यहाँ एयर की रिम लाइट। सो यहाँ से कोई भी कलर सैंपल करें और ब्रश छोटा करके, और फिर दे स्ट्रोक्स जो आपको अच्छे लगते हैं, आप वैसे टाइप के हेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ से ब्लैक कलर भी लेके कर देना थोड़ा सा, और फिर सैंपल वाइट, क्योंकि वाइट भी पड़ रहे हैं आपके वहाँ, तो जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितने ईजी मैंने वहाँ हेयर्स क्रिएट कर दिए हैं, तो यही है सिंपल, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद
यहाँ मैंने क्रिएट कर रखा है ओपन का ग्लू, तो ये एक पीएनजी है, कोई वो नहीं है, डिफरेंट चीज नहीं है। अब ओपन के ग्लो के बाद यहाँ मैंने एक रिम लाइट क्रिएट कर रखी है, तो वो भी यहीं से ही आप कोई भी कलर सैंपल करें, ठीक है। अब ब्रश लें थोड़ा सा बड़ा और फिर यहाँ से हल्का हल्का पेंट करें और बस सिंपल है यही। और फिर यहाँ पे अंडरलाइन लेयर में आके जितना आपको रिम चाहिए उतना कर सकते हैं। तो देखा जाए तो बहुत ही सिंपल ट्यूटोरियल है, इतना हार्ड एंड फास्ट है ही नहीं इसमें कुछ जो आपको समझ में ना आए। उसके बाद मैंने यहाँ ग्लो क्रिएट कर रखा है कर्व से, तो कर्व यहाँ से आप लेंगे, इंक्रीज कर दीजिए बहुत ऊपर और फिर इन्वर्ट, और फिर जहाँ आपको पेंट करना हो, जैसे यहाँ मुझे ग्लो चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ फेस पे, यहाँ यहाँ यहाँ, तो वहाँ वहाँ आप ग्लो क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है मेन पार्ट, कलर ग्रेड, ठीक है। कलर ग्रेड नहीं, अभी एक चीज मिसिंग रह गई है, वो है टैटूज। तो टैटूज का बड़ा सिंपल फंडा है, यहाँ से आपने लेयर लेनी है, ब्लैक ब्रश लेना है, ठीक है, और फिर कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं फिंगर्स पे, ठीक है। तो जो भी आपको इनिशियल करने हैं, अपने टैटूज बनाने हैं, स्कल बनाना है, कुछ भी लिखना है, लव लिखना है, जो करना है, और फिर यहाँ पे ऐसे ड्राइंग है सिंपल। तो मैं कोई टैटू आर्टिस्ट नहीं हूँ, जस्ट क्रिएशन का ऐसे ही पता है, तो जस्ट आप ये देख सकते हैं सिंपल वही सारे आउटकम आ गए हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। और फिर यहाँ पे आपने जो भी आप लिख सकते हैं, मैंने जो जो लिखा था, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे तो आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। अब इतना तो टैटूज का भी समझा दिया मैंने। अब ये स्किन ग्रेडियंट मैप है, ये मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बता रखा है, इससे पहले अपलोडेड है वो ट्यूटोरियल, आप जरूर चेक करें ग्रेडियंट मैप कैसे बनाए। उसके बाद मैंने अपना लोगो इंपोर्ट कर रखा है और फिर यहाँ जस्ट कलर ग्रेडिंग है, तो कलर ग्रेडिंग यहाँ ब्लू की है। तो अब मैं आपको कलर ग्रेड भी बताता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कलर ग्रेड समझाना बहुत ही लंबा ही टॉपिक है, तब भी इन शॉर्ट समझाता हूँ आपको। फिल्टर में आना है अपने, और यहाँ से ब्लू प्राइमरी है आपका, ठीक है, और ये है, तो जो भी आपको कलर ग्रेड अच्छी लगे। फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ जंप करना है वाइट्स में, वाइट्स थोड़े बूस्ट करें और हाइलाइट्स को जरूर बूस्ट करें ग्लो के टाइम पे, और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम करके ब्लैक को थोड़ा सा शिफ्ट रखें, और फिर ये वाले पॉइंट को भी थोड़ा थोड़ा रखें, और क्लैरिटी जितनी इंक्रीज करेंगे उतना ग्लो मिलता जाएगा आपको, तो क्लैरिटी रखें और टेक्सचर भी रखें, ठीक है। डीएस को थोड़ा कम करेंगे, उससे चेहरे पे ग्लो आता है। तो एक रफ एंड टफ कलर करेक्शन थी ये थोड़े से ही टाइम में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ह्यू सैचुरेशन में आना है और रेड कलर को लाइक वो करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ आप जस्ट क्रिएट करेंगे ऐसे, तो यही सारे हैं बस, थोड़ा सा और वो थोड़ा कम ब्लू है, यहाँ वो है ज्यादा, बस इतना ही था। और चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बहुत ही इजी ट्यूटोरियल था, आप बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो सारी पीएनजीज आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, और टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज्वाइन करें। थैंक यू गाइस।